हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुण गट्टानी कॉमर्स क्लासेस। तो आज अपने को मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 देखना है, मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। देखिए बहुत ही छोटा और इजी चैप्टर है, बट फिर भी एग्जाम में इसका वेटेज 4 नंबर का रहता है। तो देखिए इसे अपन 2 पार्ट में कवर करने वाले हैं। आज अपन इसके अंदर ये 3 पार्ट कवर करेंगे और बाकी जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसके अंदर अपन ये सप्लाई ऑफ मनी एंड हु सप्लाइज मनी ये कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मीनिंग ऑफ मनी बहुत ही सिंपल सी बात है। मनी के बारे में अपन सब जने जानते हैं, जो अपने डेली यूज के अंदर आता है। कोई भी ट्रांजेक्शन करना है, कोई भी अपने को गुड्स को परचेज करना है, तो अपने को उसके लिए मनी देना पड़ता है। एक सिंपल डेफिनेशन क्या है, मनी इज व्हाट मनी डज, मतलब मनी जो करता है वही मनी है। बट एग्जाम में अपन थोड़ी सी अच्छी डेफिनेशन लिख सकते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ मैंने, मनी इज एनीथिंग विच इज Generally accepted as a medium of exchange, measure of value, store of value and as a mean of standard of deferred payment। तो देखिए ये आप डेफिनेशन याद कर लीजिए, बट फिर भी एग्जाम में इतनी ज्यादा डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है। चलिए आगे देखते हैं अपन, what are the functions of money, क्या क्या फंक्शन मनी प्ले करता है। वैसे अपने को सारे इसके फंक्शंस पता ही हैं, बट फिर भी अपन एक बार इसको रीड कर लेते हैं। देखिए मनी के 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी फंक्शन और एक होता है सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन के अंदर आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अपने को पता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन अपने को करना है, कोई भी गुड्स अपने को परचेज करना है या फिर कोई गुड अपने को सेल करना है, तो अपने को क्या चाहिएगा, मनी चाहिएगा। तो मनी से पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम चलता था, जहां पे बहुत ही मुश्किल हो जाता था कोई भी ट्रांजेक्शन करना। आप इसको रीड कर सकते हैं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है ये। नेक्स्ट फंक्शन आता है मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू और कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। देखिए अपने को पता है कि बहुत सारे गुड्स होते हैं और उन सभी गुड्स को एक ही टर्म के अंदर लाने के लिए मनी कॉमन यूनिट की तरह प्ले करता है। ओके, मैं यहाँ पे अपने आप को हाइड कर लेता हूं। देखिए कॉमन यूनिट की तरह, जैसे कि अपने को एक हॉर्स को सेल करना है तो उस हॉर्स की वैल्यू कितनी है, 1,50,000 रुपीज अपन ने डिसाइड कर ली, तो उसको अपन ने मनी टर्म्स में ले लिया। इसी पैटर्न से अपने को एक लैपटॉप सेल करना है तो लैपटॉप को अपन ने एक वैल्यू कर लिया कि 30,000 रुपीज का वो लैपटॉप है। तो मनी टर्म्स के अंदर अपन ने हर चीज को एक्सप्रेस कर लिया, मतलब मनी एज अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू प्ले करती है। ओके, इसके बाद में आते हैं मनी के सेकेंडरी फंक्शंस। और इसके अलावा क्या फंक्शंस है, देखिए अपन ने प्राइमरी देख लिया कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज प्ले करती है और कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू अपन डिसाइड कर सकते हैं मनी की हेल्प से। बट अब इसके जो सेकेंडरी फंक्शन है उस पर आते हैं। देखिए मनी इसके अलावा और क्या फंक्शन करता है। पहला सेकेंडरी फंक्शन है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। पहले क्या होता था, क्योंकि मनी नहीं था उस टाइम पे, अपने को किसी जने को बाद में पेमेंट करना है। तो जैसे कि मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि मुझे आज 500 केजी पल्सेस चाहिए और उसके बदले में आप मुझे 2 महीने के बाद में 500 केजी मैंगोज देंगे। अब यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट में दिक्कत क्या आने वाली है कि बाय चांस उन मैंगोज की क्वालिटी अच्छी नहीं निकली या फिर वो खराब हो जाते हैं, तो अपन 2 महीने के बाद में अपने को तो देना पड़ेगा 500 केजी पल्सेस, बट बदले में अपने को क्या मिलेंगे, बदले में अपने को बहुत पुअर क्वालिटी के मैंगोज मिलेंगे। तो इसलिए पहले क्या होता था, कॉन्ट्रैक्ट करना मुश्किल हो जाता था, डेफर्ड पेमेंट करना मुश्किल होता था। बट अब क्या है, अब अपने को पता है कि मनी की टर्म्स में सारी चीजें अपन ले सकते हैं। तो 500 केजी मैंने यदि पल्सेस देने के लिए बोला है तो मैं उसको 500 केजी पल्सेस दे दूंगा 2 महीने के बाद में, बदले में उनसे जितने भी उसके रुपए बनते हैं वो अपन उनसे रुपए ले लेंगे। तो इस पैटर्न से स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट के अंदर ये हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है स्टोर ऑफ वैल्यू। जैसे कि पहले क्या होता था कि मेरे पास में बहुत ज्यादा, सपोज मेरे पास में कोई फ्रूट है और वो फ्रूट मेरे पास में पड़े हुए हैं, बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको किसी के थ्रू एक्सचेंज करना ही पड़ेगा। यदि मैं एक्सचेंज नहीं करूंगा तो वो फ्रूट्स मेरे पास में ही पड़े पड़े क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। बट अब मैं क्या कर सकता हूं, उन फ्रूट को मैं सेल कर सकता हूं और सेल करके उसको मनी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकता हूं और उस मनी को मैं स्टोर कर सकता हूं लॉन्ग टाइम के लिए। तो इस टर्म से मनी स्टोर ऑफ वैल्यू की तरफ भी हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब देखिए अपने को पता है कि मनी को अपन ट्रांसफर बहुत ही इजीली कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहां से पेमेंट करना है हैदराबाद में, तो मैं उसको हैदराबाद में इजीली पेमेंट कर पाऊंगा।
बट यदि मुझे पहले के टाइम पे किसी चीज को ट्रांसफर करना होता था तो वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट काम हो जाता था। तो आई होप आपको ये जो सारी चीजें हैं ये समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट अपन देख लेते हैं कि बार्टर सिस्टम क्या होता था और बार्टर सिस्टम के क्या ड्रॉबैक्स होते थे। मेनली बार्टर सिस्टम अपने को सभी को पता है कि अपन क्या कर रहे हैं, अपने गुड्स को दूसरे सामने वाले के गुड्स के साथ में एक्सचेंज कर रहे हैं, सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता था। अब उस एक्सचेंज ऑफ गुड्स के अंदर क्या क्या ड्रॉबैक्स हो जाते थे, क्या क्या उसकी लिमिटेशन हो जाती थी। पहले लिमिटेशन होती थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। देखिए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का क्या मतलब है कि मेरे पास में यदि हॉर्स है और मुझे हॉर्स को सेल करना है और बदले में मुझे मैंगो चाहिए, तो सामने वाले पर्सन को भी क्या होना चाहिए, उसको हॉर्स की जरूरत होनी चाहिए और उसके पास में एक्स्ट्रा मैंगोज होने चाहिए जो वो अपने साथ में एक्सचेंज कर सके। ओके तो इस पैटर्न से डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता था बार्टर सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट आता है लेक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। जैसे कि जो फंक्शंस ऑफ मनी थे वही यहाँ पे ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम है। पहले क्या होता था, कोई कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू नहीं होती थी, अपन हर चीज को किसके अंदर कन्वर्ट करें ये अपने को पता नहीं होता था। नेक्स्ट आता है डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट। जैसे कि अभी अपन ने देखा कि मनी की जो हेल्प से अपन फ्यूचर पेमेंट या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट इजीली कर पाते हैं, वो पहले अपन नहीं कर पाते थे। नेक्स्ट आता है डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज। पहले अपन किसी गुड्स को बहुत ज्यादा टाइम के लिए स्टोर नहीं कर पाते थे, उसे अपन ट्रांसफर नहीं कर पाते थे, तो ये सारी लिमिटेशंस थी बार्टर सिस्टम की। चलिए अब अपन देख लेते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जाम में ज्यादा चांसेस इस टॉपिक के आने के हैं। देखिए मनी को अपन कितनी टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, ये चीज है फॉर्म्स ऑफ मनी। पहला पॉइंट आता है फिएट मनी एंड फिड्यूशरी मनी। पहले मैं आपको इसको समझा देता हूं, उसके बाद में इनकी डेफिनेशंस भी मैं आपको रीड करवा दूंगा। तो पहला आता है मनी को अपन दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, फिएट मनी एंड फिड्यूशरी मनी। फिएट मनी का मतलब है जो एक्चुअल में आपकी करेंसी है, जैसे कि आपके जो कॉइन्स हैं, जो आपके नोट्स हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, फिएट मनी। जो कोई भी जना आपके साथ में एक्सचेंज करे तो आप उससे विश्वास कर सकते हैं कि हाँ मेरे को ये रुपए मिले हैं, बदले में मैंने अपने गुड्स दिए हैं, तो यहाँ पे आप विश्वास कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट आता है फिड्यूशरी मनी। देखिए फिड्यूशरी मनी का मतलब होता है ऐसे मनी जो ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये है तो रुपए ही बट ये ट्रस्ट पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि ए एक पर्सन है, उसने बी पर्सन को एक चेक दिया है, चेक कितने रुपए का है, 10,000 रुपीज का वो चेक है। ओके अब ये एक्चुअल में क्या है, यूं तो अपन देख सकते हैं कि हाँ मनी है, बट बी को उस ए पर्सन पे ट्रस्ट होना जरूरी है। बाकी क्या होएगा, यदि कोई भी जना मुझे आके कोई चेक दे देगा तो क्या मुझे खुश हो जाना चाहिए क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि सामने वाले पर्सन के बैंक अकाउंट में उतने रुपए हैं या नहीं है, सामने वाले ने फर्जी सिग्नेचर किए हुए हैं क्या है, वो अपने को पता नहीं है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये इन दोनों के ऊपर, इन दोनों के ट्रस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो फिड्यूशरी मनी के अपन एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया चेक इसका एक एग्जाम्पल हो गया, बिल्स पेएबल या बिल्स रिसीवेबल ये सब इनके एग्जाम्पल हो गए। ओके देन डीडी हो सकता है, डिमांड ड्राफ्ट ये इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। ओके तो ये ऐसे रुपए हैं जो ट्रस्ट पे डिपेंड करते हैं, ट्रस्ट बिटवीन द टू पार्टीज पे डिपेंड करते हैं। ओके नेक्स्ट आता है मनी को अपन दो अलग और क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला आता है फुल बॉडीड मनी और दूसरा आता है क्रेडिट मनी। देखिए फुल बॉडीड मनी नाम से थोड़ा बहुत समझ में आता है अपने को कि जो उसकी कॉमोडिटी वैल्यू है वही उसकी क्या है, रियल वैल्यू है। जैसे कि पहले के जमाने में क्या होता था, गोल्ड कॉइन्स बनते थे और सिल्वर कॉइन्स बनते थे। तो उन कॉइन्स के अंदर क्या होता था, उन कॉइन को यदि मैं मेल्ट करके उनको मैं मार्केट में बेचूंगा तो भी उसकी उतनी ही वैल्यू मिलेगी जो उसकी एक्चुअल में मनी उसकी वैल्यू है। ओके तो गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, ये जो कॉइन्स होते थे ये क्या है, ये ऐसे कॉइन है, इनको अपन फुल बॉडीड मनी बोलते हैं। क्योंकि इनको यदि मेल्ट करके भी मैं यदि मार्केट में कॉमोडिटी की वैल्यू के हिसाब से बेचूंगा तो भी उनकी उतनी ही कीमत मिलेगी। और अभी जो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जो चलते हैं वो होते हैं क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी का मतलब है कि उनकी जो कॉमोडिटी वैल्यू है वो तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिएबल है, मतलब उनकी कोई कॉमोडिटी वैल्यू नहीं होती है बट उसकी मार्केट में एक्चुअल में वैल्यू होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, 100 रुपए का नोट है, अब वो 100 रुपीज का जो नोट है उसको यदि आप मेल्ट करके पानी में भिगो के यदि आप मार्केट में देंगे तो आपको कुछ मिलेगा क्या उसके बदले में, उसके बदले में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो पूरा पूरा क्या हो चुका है, गल चुका है, फट चुका है। ओके बट यदि मैं उसको बिना मेल्ट करे देता हूं तो उसकी मार्केट में कितनी वैल्यू हो जाती है, 100 रुपीज की वैल्यू होती है। इसका मतलब क्रेडिट मनी ऐसा मनी है जिसकी कॉमोडिटी वैल्यू तो जीरो है, नेग्लिजिएबल है,
और उसकी जो मार्केट की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। ओके, आपको ये चारों जो पॉइंट्स हैं ये समझ में आ गए होंगे। चलिए मैं आपको इनकी डेफिनेशंस रीड करवा देता हूँ, मैं अपने आप को हाइड कर देता हूँ। देखिए, फिएट मनी, यहाँ पे लिखा हुआ है फिएट मनी रेफर्स टू दैट मनी विच इज इशूड बाय ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी। मतलब यहाँ पे देखिए क्या है, आरबीआई ने जिसको इशू किया है, गवर्नमेंट ने जिसको इशू किया है, इट इंक्लूड्स ऑल नोट्स, सारे नोट्स और कॉइन्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। फिड्यूशरी मनी का मतलब है इट इज दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे कि देखिए, चेक को अपन एक्सेप्ट तो करते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बट दिस इज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पे, दोनों के बीच में ट्रस्ट होता है तभी अपन उसको एक्सचेंज के फॉर्म में अपन उसको एक्सेप्ट करते हैं। देन आता है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी का मतलब उसकी जो कॉमोडिटी वैल्यू है इज इक्वल टू द मनी वैल्यू, उसकी जो कॉमोडिटी वैल्यू है वो मनी वैल्यू के बराबर है। और क्रेडिट मनी के अंदर आता है रेफर्स टू दैट मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन कॉमोडिटी वैल्यू। एग्जाम्पल 100 रुपी नोट, 2000 रुपी नोट, उनको अपन यदि मेल्ट करेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी, मतलब कॉमोडिटी वैल्यू उसकी जीरो हो जाएगी। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। आज की क्लास को तो अपन यहीं वाइंड अप करते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन देखेंगे सप्लाई ऑफ मनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंड हु सप्लाइज मनी। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू।